एक्सक्यूज मी, हैव यू पुट एट दिस बाइक? ये रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल। ओ भाई क्या विली प्रैक्टिस हो रही है? नॉर्मल बाइक तो सभी ने देखी, मैं भी कहता हूं सुपर बाइक। ये देखो ये बाइक देखो और ये देखो, यहाँ पे पूरा ट्रैक बनाया है हिमालय, पूरा ट्रैक है देखो, यहाँ पे पूरा ऑफ रोड स्लो साइकिलिंग तो बहुत देखी होगी भाई, ये स्लो बाइकिंग देख लो। ओ भाई क्या है ये, स्पेयर व्हील हिमालयन में भाई। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग जाने वाले हैं वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे की एक इवेंट है बेंगलोर में, वहाँ पर ये इवेंट चामरा वज्रा जया महल रोड पे है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। क्या क्या इवेंट कैसी है वो आप लोगों को दिखाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। जहाँ तक मैंने वो थोड़ा रिसर्च, मतलब रिसर्च तो नहीं, देखा है ऑनलाइन वगैरह वीडियोस, तो उसमें से ऐसा पता चला है कि जितनी सारी मतलब बाइक्स की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक्सेसरीज की कंपनी, वो सारे स्टॉल वहाँ पे लगाते हैं और एक वो खुद मतलब उनकी सबकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती है और एक एसोसिएशन इकट्ठा होता है बाइकिंग का। तो बहुत सारे बाइकर्स वहाँ पे आने वाले हैं, बहुत सारी नई नई बाइक्स आने वाली है, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। तो चलो ये ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं और हम सीधा मिलते हैं बाइक पे। और अभी मैं टाइम भी दिखा देता हूँ, टाइम हो गया है 1:30 बज गया अभी और ख्याति भी रेडी है यहाँ पर देखो। ओके भाई, जितने भी टाइम आते हैं ना ये रास्ते पे, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, HAL रोड, मज़ा ही आता है। कितनी भी धूप होती है यहाँ नहीं लगती, एकदम मस्त देख सकते हो भाई, इतने पेड़ है यहाँ पर, मज़ा ही आ जाता है हर बार गाड़ी चलाने का। सिटी के अंदर भाई ये हाथी को चलाना मतलब बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है पूरा। हीट क्योंकि ज़्यादा फेंकती है ना इसीलिए, बट मज़ा आता है यार। इतनी धूप नहीं है अभी, 32 डिग्री टेम्परेचर है बट धूप नहीं है। अरे बच गए भाई, जिस टाइम में यहाँ पहुँचा ना, ये देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, अरे ये क्या जा रहा है, उसी टाइम राइट साइड जाने वाली लाइट बंद हो गई, इसको कहते हैं लक, समझ जाओ। अरे हो गया स्टार्ट। ओ भाई कॉफी बोर्ड, इंडिया इंडियन कॉफी हाउस, ओके। क्या बोलती रे पब्लिक, जाएगी क्या आगे गाड़ी? चलो यार रिस्क नहीं लेना है, हमें जोवा मळशे बधाई। आपणे एक एडवांस लीधु होत ने थोड़ुक पेमेंट करीने, तो आपणने टी शर्ट मळत, 400-500 રૂપિયાનું છે, આપણે 150 વાળું કરાયું, 400-500 માં તું કહેતી ને જમવાનું મળે, એના કરતા હજી એક લેવલ જાય તો જમવાનું ટી શર્ટ બે મળે। પહોંચ ગયે હમ વર્લ્ડ મોટરેબલ ડે પે। ભાઈ ફાઇનલી પહોંચ ગયે હમ લોગ, યહાં સે કુછ એન્ટ્રી હૈ, યહાં સે વો સારા વહાં વો સાઇડ પાર્કિંગ હૈ પૂરા, इवेंट्स सारी बहुत चल रही है। चलो दिखाते हैं आपको भाई, माहौल तो अच्छा है यहाँ, बाहर एक स्लो रेस चल रही है TVS की, बट उसमें टाइम लग रहा है इसलिए हम अंदर जाएंगे अब क्या है, और यहाँ से शायद एंट्री है, ये मेन गेट है पूरा। बहुत सारे स्टॉल दिख रहे हैं अंदर, चलो भाई, जैसे ही है इसमें क्रैश कार्ड, एक
एक्सेसरी शॉप है ग्रांड पिट स्टॉप। क्या थी? हाँ एक्सेसरी शॉप है। एक्सक्यूज मी, हैव यू पुट एट दिस बाइक? मैन्युअली ओनली, टू पीपल स्टैंडिंग एट फ्रंट एंड लिफ्टेड। मॉडल बाइक, इतना एग्रेसिव मस्त लुक कर दिया यार बाइक का। ट्रायम का यहाँ पर है स्टॉल। मॉडिफाई करावे हमारा ख्याल थी रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल छे। वाह मस्त मॉडिफाई करवाया यार बाइक दोनों। वाह क्या ही रैपिंग करवाई है यार बाइक, खतरनाक। अच्छा भाई क्या विली प्रैक्टिस हो रही है क्या ये? आजू लगेगा रेसिंग जो जो एक ग्राउंड में फोटो जो बची खबर पड़ी। मोटो टॉर्क सारी एक्सेसरीज लगाई है, एक्सेसरीज है सारी, ये देख सकते हो हिमालयन की भी और भी बहुत कुछ है। पूरा स्टॉल है यार, सारी मोटे बड़ी बड़ी एक्सेसरीज कंपनी है सबका। भाई मस्त कपड़े पहने इन लोगों ने, एग्जॉस्ट ये क्या है भाई, क्या ही नेक्स्ट लेवल मॉडिफाई मॉडिफिकेशन वाली बाइक मिल रही है यार। ले ला, ले ला। टेस्ट कर के ऊज है, चमची ले ला। यू बी कोऑर्डिनेटेड फॉर फर्दर स्टेप्स आ जाना है वास्पा। सो हियर ऑन द अदर हैंड वी हैव द रन एंड गेट इज गोइंग ऑन सारे ओल्ड बाइक एट द एक्टिविटी जोन 1। ओ एनफील्ड काफी मस्त मस्त बाइक है यार, यहाँ पे देखो भाई एवेंजर है यार ये बाइक, और ये ट्विन सिलेंडर है। पता नहीं यार कौन सी हार्ले डेविडसन की भी एवेंजर आती है या फिर क्या, भाई अलग ही बाइक है ये पूरी। इसका कंसोल देखोगे ना तो ये एवेंजर का लग रहा है मुझे, और यहाँ पे हार्ले डेविडसन लिखा है, यहाँ पे भी देखो एवेंजर लिखा है। अच्छी है ये बाइक देखो, और ये देखो यहाँ पे पूरा ट्रैक बनाया है हिमालय रॉयल एनफील्ड वालों ने, पूरा ट्रैक है देखो यहाँ पे पूरा ऑफ रोड।
फिर वहाँ आगे देख सकते हो टायर वगैरह भी है। ओ भाई ये देखो भाई ट्रैक के साइड में आ गए हैं हम, यहाँ पे पूरे टायर्स वगैरह है और यहाँ पे देखो सीढ़ी भी है, इसमें से बीच में से बाइक निकलनी है। एक्चुअली मेरे पास गियर नहीं है वरना मैं भी ट्राई करता ही है। यहाँ देखो ये ठीक कर रहा है, एक साइड हो गई थी पूरे कंकड़ पत्थर पत्थर छोटे छोटे, अभी एक बंदा आएगा ना मैं दिखाता हूँ पूरा ट्रैक। अच्छा ट्रैक बनाया है रॉयल एनफील्ड वालों ने, कोई भी किसी को भी अदर कंपनी ब्रांड ओनर को एक्सपीरियंस लेना तो वो भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कंकड़ में भाई, कंकड़ सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, मोस्ट ऑफ राइडर यहाँ अटक रहे हैं कंकड़ और यहाँ पे रुक गए तो काम खत्म। ये देखो वाह, और यहाँ पे फिनिश लाइन। स्लो साइकिलिंग तो बहुत देखी होगी भाई, स्लो बाइकिंग देख लो। बगल में इवेंट चल रही है और यहाँ पे पार्टी हॉल जैसा है, बट भाई क्या ही डेकोरेट किया है यार, मैरिज फंक्शन किसी का लग रहा है यहाँ पर। Thank you very much Arvind, thank you Divya for being here with us, for having taken the time out, and we would also love to felicitate and thank you with a small token of appreciation. Oh bhai, kya hai ye? Kya hai ye bhai? Kya thi, kya tha wo? Lizard. Lizard. Oh bhai, kya hi daadi hai yaar, khatarnak. अलग अलग लोगों को मतलब अलग अलग बहुत कुछ देखने को मिलता है ना, क्या थी दाढ़ी बाइक लोग। और ये देखो भाई विंटेज कार, अच्छी कार है।
Nice, 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 nice. स्पेयर व्हील हिमालयन में भाई. गजब यार, पहली बार देखा है स्पेयर व्हील. भाई लगाने वाले क्या क्या लगा रहे हैं यार. भूल थी जाए. हाँ ओला एक्चुअली ऑडियंस माटे રાખવા જોઈએ રાઇડિંગ જેકેટ હે ને. ચલો ભાઈ બહુત મજા આયા. નવીન પ્રકક્ષર દેખને મે સ્ટન્ટ્સ દેખને મે મોટરસાઇકલ સ્ટન્ટ્સ દેખને મે શાંત રીતે બહુત મજા આયા. અબ ચલેંગે ઘર. બહુત ટાઈમ હો ગયા યાર. 7:30 ઓલમોસ્ટ બજ ગયે હે. મજા આયા ક્યા થી? હા બહુત મજા આયા. અચ્છા થા स्टंट सबसे ज़्यादा. हाँ जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना वैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है. मस्त ओके भाई लोग. अब मैं बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस. ऊपर से ट्रेन जा रही है देखो. मस्त एक नंबर एक्सपीरियंस रहा. और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ऐसा इवेंट था बाइकिंग वाला. जो बाइकिंग का इवेंट था बहुत ही मस्त मज़ा आया. एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े एक्सेसरीज़ के कंपनी थी बाइकिंग कंपनी थी उन लोगों ने अपना स्टॉल वोल लगाया था अपनी मार्केटिंग के लिए. और हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत कुछ देखा नया मज़ा आया. और जो आखिर में जो स्टंट वाला था एक नंबर परफॉर्मेंस था स्टंट. और हाँ भाई मैं बता देता हूँ ये जो स्टंट वाले थे वो प्रोफेशनल्स थे अपने काम में इसलिए. बट आप लोग बिल्कुल घर पे ऐसा कुछ करना नहीं या फिर बाहर रास्ते में भी ऐसा कुछ करना नहीं. ठीक है अच्छे लक है यार हमारे. देखो सिग्नल जोन से भी सिग्नल पे जा रहे हैं सारे ग्रीन ही निकल रहे हैं. ओ वाओ और एकदम खूबसूरत रास्ता है ये वाला. पूरी ग्रीनरी है लेफ्ट एंड राइट साइड. और एक नंबर ठंडक है. अभी टेम्परेचर हो गया 28 और हमारी लाइट एच जे जी की लाइट एक नंबर परफॉर्मेंस दे रही है यार अंधेरे में. वैसे तो अभी स्ट्रीट लाइट है बट कुछ कुछ पेच में नहीं है स्ट्रीट लाइट इसलिए मैंने ऑन ही रखी है. ये है 8:40. हम घर को पहुंच गए थे 8:25 को. निकले थे 7:30 बजे 7:30 अराउंड 55 मिनट्स हुई घर को पहुँचने में. बट जितने एक्सपेक्ट था उतने से उतना ट्रैफिक नहीं था. कम ट्रैफिक था मतलब बहुत कम ट्रैफिक था. और चलाने में बाइक चलाने में बहुत मज़ा आया. इवेंट में तो भाई एक नंबर मज़ा आया. मेरी पहली इवेंट थी बाइक की और एकदम मस्त. और एक बात मैंने नहीं जानी वो कि आप जितना घर से बाहर निकलोगे दुनिया घूमोगे नए नए लोगों से मिलोगे उतना आपको नया जानने को मिलेगा नया देखने को मिलेगा. और जितना आप नया देखोगे और उतना आप नया सीखोगे. तो मुझे बहुत मज़ा आया स्पेशली स्टंट में. और बहुत सारी बाइक की एक्सेसरीज़ की जो जो कंपनी थी वो मैं मुझे कुछ ही पता थी. बट यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की भी बहुत सारी बाइक की एक्सेसरीज़ की कंपनी भी अलग अलग है. मुझे मोटो टॉक मोटो ड्रिफ्ट और एक दो है वही उसी की पता थी. बट बहुत सारी अलग अलग है और बाइक में भी बहुत कुछ नया देखा जो कि वो आपने वीडियो में देख लिया होगा. और अब हम देखेंगे ख्याति का क्या एक्सपीरियंस रहा और उसको कैसा लगा आज का पूरा इवेंट. सर ये पहली बार मैंने वर्ल्ड मोटर डे ऐसे इवेंट देखी और इसमें पार्टिसिपेट किया. इवेंट बहुत बढ़िया थी. उसके मेन ऑर्गेनाइज बाई रॉयल एनफील्ड था और उसका को ऑर्गेनाइज था टीवीएस रेसिंग. हाँ टीवीएस रेसिंग. सो वो मतलब इवेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थी. स्पेस और उसका वहाँ पे जो फूड स्टॉल थे वो भी प्योर हाइजेनिक बहुत ज्यादा हाइजेनिक अच्छे थे. और बहुत मतलब हर एक चीज उन लोगों ने अच्छे से ऑर्गेनाइज. खाना भी अच्छा टेस्टी था है ना. बहुत मसाले वाला ऐसा कुछ नहीं. बहुत टेस्टी और मतलब सुपर था. ऐसी इवेंट मैंने मतलब ये ओपन इवेंट थी. इसका चार्ज भी ना भी ज्यादा नहीं था. 150 चार्ज था और वो भी पूरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही था. सो उसके हिसाब से ये नंबर वन इवेंट थी अब तक की मेरी. और वहाँ पे जो स्टंट किए गए अच्छे बाइक राइडर्स जो आए थे वहाँ पे मुझे नई नई बाइक दिखने को मिली.
कितने लोगों ने अपने पेशन है, कभी बाइक किसी का ड्रीम है तो वो अपनी ड्रीम बाइक को कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा नई नई 50-60 लाख से लेके 2 लाख तक की पूरी बाइक देखने को मिली। कितनी सारी अलग 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 मॉडिफिकेशन देखने को मिला, छोटी बाइक भी देखने को मिली, छोटी बाइक भी देखने को मिली और हमने बहुत सारे फोटो भी खींचे। सो ये मेमोरेबल इवेंट थी और हम अगर बेंगलोर में ही रहे तो हम हर साल यहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। और सबसे अच्छी बात, इवेंट की ऐसी थी कि जो मोस्टली स्टॉल्स थे वो पूरे ओपन में थे, इसलिए ऐसा सफोकेशन वगैरह नहीं लग रहा था, और हवा भी मतलब टेम्परेचर भी आज लो था, इतना टेम्परेचर नहीं था, बीच में बारिश भी थोड़ी थोड़ी बहुत आ रही थी, तो अच्छा था इवेंट। वहाँ पे म्यूजिक का डीजे था, अरेंजमेंट अच्छा किया था, एनवायरनमेंट बनाया था कि ऐसा लगे कि नहीं ये इवेंट है, और बहुत अच्छे से की थी। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि चलो भाई आप एक बार अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ सकते, बाहर स्लो बाइक रेस चल रही थी, फिर वो ऑफ रोड ट्रैकिंग के लिए रॉयल एनफील्ड ने अच्छे से ट्रैक बनाए थे, वो चल रहा था। तब अगर आपके हाथ में ये बैंड है तो आप अच्छे से अंदर बाहर कर सकते थे, अंदर बाहर जा सकते, हाँ मतलब आ सकते हो जा सकते हो और आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था कि आप एक बार अंदर गए तो फिर से बाहर नहीं आ सकते ऐसा। सो वो भी बहुत अच्छा था, सिक्योरिटी भी वहाँ पे बहुत सपोर्टिव थे, पार्किंग स्पेस भी बहुत बढ़िया दी थी कि किसी को दिक्कत ना हो, कंजक्टेड लगे ही ना, हाँ और स्पेस बहुत बड़ी थी, अच्छी अच्छी जगह थी, और ऐसा नहीं था सिटी के बाहर थी, सिटी के बीचों बीच में ही थी, बहुत बड़ी जया महल रोड है ना, जया महल रोड। सो हमने बहुत एंजॉय किया एंड नाउ इस इवेंट्स में जाते रहेंगे हम, दूसरे भी इवेंट में, आप लोगों को भी मजा आएगा देखने में, तो सपोर्ट के लिए लाइक कर देना वीडियो को, अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एक प्यारी शेयर करना, प्यारी सी कमेंट करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करे बिना जाना ही नहीं, नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन लाल होगा उसको टच करके या क्लिक करके हरा कर देना है, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब अस, थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं ऐसे बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय, एंजॉय राइड्स, राइड सेफ, एंजॉय योर लाइफ, जय हिंद।